हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ बहुत अच्छी और उम्मीद है कि आप लोग भी अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन है बहुत बिजी हमारा, घर का काम मेरा हो चुका है लगभग, और अब मुझे काफ़ी सारे काम हैं घर के काम के अलावा भी, क्योंकि आज है कीर्तन घर पे। तो फिर 12 बजे के करीब हम कराएंगे, तो उससे पहले हमें मंदिर की स्थापना भी करनी है। आज हमारे मंदिर की स्थापना करेंगे हम लोग, तो इसकी वजह से आज हमने सत्संग रखवाया है घर में, और पीछे विशाल जी अभी पैसे गिन रहे हैं अपने, और मैंने अपना अभी वो सिंपल सा सूट ही निकाला क्योंकि अभी मुझे मूर्तियाँ अच्छे से साफ करनी है फिर रखनी है, तो काफ़ी सारा काम है। फिर मैं ड्रेस में बाद में पहनूंगी, अब मैं नहा के आ जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कि मैं आ गई, पर मैंने अभी कुछ मेकअप नहीं किया है क्योंकि फिर मुझे दोबारा मेकअप करना होगा, और मैंने सूट भी बहुत सिंपल पहना है। और जैसा कि विशाल जी अभी भी लेट ही रहे हैं, ये यार लड़कियां इतना काम करती हैं और लड़के ऐसे ही पसरे रहते हैं। तो अब मैंने भी ये सिंपल सा सूट पहन लिया, और अब मैं मेरे कदम जो हैं वो मंदिर के काम के लिए उठेंगे, जो कि अभी ऐसा है। और अब थोड़ी सी देर बाद देखना मैं कितने चेंजेस ला दूँगी इसमें। अभी तो पूरे मंदिर को गंगा जल के पानी से साफ करूँगी, फिर उसके बाद मूर्तियाँ साफ करूँगी, और फिर मालाएँ बनाऊँ, माला तो बना के रख दी थी मैंने, फिर सजावट करूँगी, सब बिछाऊँगी। और ये पता नहीं अभी वो मंदिर से ढोल की वाल क्या वो भी लानी है। अभी तो ये मैंने यही निकाला सामान, बस बैठने के लिए काम आएगा ये। मैंने बिछा लिया चटाई और वहाँ रख लिया मंदिर का सामान, और उस बाल्टी में था कपड़ा, उससे मैंने गंगा जल का पानी और थोड़ा नॉर्मल पानी मिक्स करके सारा मंदिर कर दिया साफ। और अब इन मूर्तियों को अच्छे से मैं गंगा जल से थोड़ा सा स्नान करा के फिर रखूँगी इसमें। सारे भगवान जियों को मैंने यहाँ विराजमान कर दिया है, और अब मैं इनको नहलाऊंगी उस पानी से, और फिर देखो ये लड्डू गोपाल जी ये बैठे। मैं नॉर्मली इनको ऐसे यहाँ रख दिया, पर ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले मैं नहाऊंगा, ऐसे वाला रिएक्शन है इनका, क्यूट से देख लो। ना जी के श्रृंगार का टाइम हो गया है, अब ये ड्रेस आज गाना जी पहनेंगे, और इनमें से देखूंगी मैं कौन सा इनके ऊपर सूट करेगा, जो इसमें सबसे सुंदर लगेंगे गाना जी वो पहनाएंगे हम इनको आज। ये मुकुट इनके, ये बाल इनके, ये देख लो धीरे धीरे अब मेरा मंदिर जचता आ रहा है। मंदिर हमारा सज गया है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो। और मैंने ये कल मालाएं पहले ही बना दी थी एडवांस में, ये देख लो पूरा मंदिर दूर से दिखाती हूँ और सुंदर लगेगा, ये देखा। और अभी नीचे वाला सामान ये सब समेटना बाकी है, मम्मी बना रही हूँ उधर खाना हमारे लिए, और मैं दिखाती हूँ विशाल जी क्या कर रहे हैं। फाइनली विशाल जी भी उठ चुके हैं और वो लग रहे हैं ये अपने लिए पानी गर्म करने। जय राम जी की। अब मैं भी ये सारा सामान समेट लूं, और मैंने कही थी कि पहले नालो ही मारा लगा देंगे ऊपर पर, अब मैंने खुद ने लगाई है सारा काम, मैंने खुद ने किया। और दिखाती हूँ मैंने चुटमुट और भी डेकोरेशन की है, और दिखाती हूँ। पता है थोड़े से ना एक्स्ट्रा फूल रखे थे हमारे, तो मैंने सोचा क्या करेंगे वो ख़राब ही हो जाएंगे एक दो दिन में अगर उनको रखने की भी सोचे तो। तो मैंने ये देखो कुछ तो यहाँ घेट के लगा दिए, कुछ यहाँ लगा दिए, और कुछ मैंने यहाँ उधर कोने में रख दिए, इधर भी कोने में रख दिए, और फिर मैंने मंदिर पर ज़्यादा फोकस रखा। ज़्यादा है ज़्यादा फ्लावर्स तो मैंने मंदिर में ही लगाए, मैं करती हूँ तुरंत। और मौसम आज बहुत अच्छा हुआ है, एकदम गर्मी लगेगी जो मैं आज ड्रेस पहनूंगी उसमें। और अभी बस ना तो ली मैं रोटी खा के, अभी मैं ये समेट दूँ, दरी वरी बिछा दूँ सही, मतलब माहौल सा बना देती हूँ सत्संग वाला, फिर मिलती हूँ आपसे। निकाल के लाई हूँ एक कालीन जो कि हमारे मंदिर की शोभा को और बढ़ा देगा, खोल लो पहले, बड़ा ही काफी है
ये देखो खुला नहीं है अभी, पूरा खुल जाएगा। अब मैं इसको वारी भी बहुत बिछाया हूँ, फिर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ बिछा दिया ये देखो, और अभी यहाँ पे और सारी बिछा देंगे, पूरा काफी स्पेस है ये देखो, यहाँ तक तो बैठ जाएंगी सारी। और मुड्डे भी लाई थी कोई आंटी, वो वहाँ उसमें बैठ जाएंगी। विशाल जी नहा चुके हैं और अब हमारा हो रहा है प्रसाद पैक। ये देखो बाणियों वाले काम तो इनसे कितने नहीं करा। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, ये देखो। और आज तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी मैं मेरी सासू मोम से पूछ लेती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। बताओ मम्मी कैसी लग रही बहुत हूँ अच्छी। मैं? देखा तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था, आज है कीर्तन, हमारे बजने वाले हैं 12 और 12 बजे ही आ जाएंगे लेडीजें। और अब मैं बनवा लेती हूँ मेरी रील्स वगैरह, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। Thank you.
तो गाइस आज की हमारा जो कीर्तन था वो हो गया ख़त्म, और अब यहाँ से थोड़ा जो गलीचे वगैरह बिछा रखे थे ये उठाए हैं, और मंदिर में फूल देखो कितने सुंदर लग रहा है मंदिर हमारा। और अब जो जो सामान, ये ढोलकी और ये झुंझुना, ये अब विशाल जी दे के आएंगे। वो रहा बजा के दिखाना, मैंने बजाया तो पूरी सत्संग सच में एक भी एक दो में तो छोड़ दिया था, थक गई थी मैं। और अब ये ढोलकी और ये एक ये दरी थी, दरी 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 नहीं इधर ये ग्रीन वाली दरी ये देख आनी है। और बारिश भी आई है, हमारा कीर्तन ख़त्म होते ही बारिश आने लगी थी, और अब भूख भी लगने लगी। आज तो पता नहीं, आज दोपहर में हमने कुछ नहीं खाया ना, इसकी वजह से जल्दी भूख लगाई है। और मम्मी लग रही है कुछ कुछ बनाने हमारे लिए। आज तो ना मंदिर के पास उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इतना सुंदर लग रहा है, मतलब ये लग रहा है कि यहीं पे बैठी रहूँगी, यहीं बैठी रहूँ, ये देखना मन सा लग रहा है आज यहाँ पे हमारा। और मेरे जाड़ में दर्द हो रहा है, मुझे ना अक्ल आ रही है गाइस, अब मुझे अक्ल आ रही है देख लो, पता नहीं काफ़ी दिनों से यूँ है, 2 महीने रहता है ठीक, फिर उसके बाद दर्द, फिर मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी करके अक्ल आ रही है मुझे। और मेरी मम्मी बनाने लग रही है मेरे लिए खिचड़ी, क्योंकि मुझे अचानक भूख लगाई तो मैं बिल्कुल फटाफट खिचड़ी बनाती हूँ, उससे खाई भी जाएगी जल्दी जल्दी, बस यही। मैंने अपने लिए तो चढ़ा ली है खिचड़ी, और इधर छोकेंगे हम सब्जी, आलू गोभी बनाएंगे, और मेरी मम्मी पीछे छिल रही हैं लहसुन, और तो कुछ नहीं, बस विशाल जी गए हैं दूध लाने के लिए। मैं तो यहाँ पे बैठ के खिचड़ी खाई है, एकदम मस्त आ गया, इतना अच्छा मौसम हो रखा, खिचड़ी मैंने ख़त्म कर दी सारी की सारी, पेट को भी आराम मिल गया और जाड़ को भी आराम मिल गया, बहुत जोर की दुख रही है सच में, इधर से तो खाया ही नहीं जा रहा है, इधर से खाने लग रही हूँ मैं सारी चीज़ें। और गाइस पता है मेरे ना इस ब्लॉग, मेरे पिछले ब्लॉग पे एक लड़की ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर रखा है, अच्छा लगा, सविता सेन के नाम से थी वो, सच में बहुत ही मद्दी भाई लड़की ने, थैंक्स, काश वो ये मेरा ब्लॉग देख ले। आज मैंने कान्हा जी को लगाया भोग, और भोग में आज मैंने रोटी बनाई, और उसके ऊपर देखो मैं दिखाती हूँ, रोटी और उसके ऊपर घी लगा के और खा
खांड रख के तो फिर मैंने भोग लगा दिया। कल से कुछ स्पेशल भी बनेगा तब मैं भोग लगा दूंगी। कुछ भी अच्छा खासा बनेगा तब हम ऐसे करके भोग लगा देंगे कान्हा जी के। हो गया है टाइम गाइस सोने का, तो अब हम लोग सोएंगे। विशाल जी ने अब एक मूवी चला रखी है, वो मूवी चला देख के हम सोएंगे। और आज का दिन बहुत ज़्यादा थकान भरा था और बहुत मस्ती भरा भी था, क्योंकि पूरा दिन। तो गाइस अब हो चुका है टाइम सोने का, और देखो मैंने आज का जो डाली थी ना, तो फिर मेरी आंखें देखो कैसी होगी, ऐसे मासूम मासूम सी। तो आज का दिन बहुत जल्दी निकल गया और बहुत थकान भरा भी था और बहुत यादगार भी था। हमारा मंदिर में हमने सारी जो मूर्तियां थी वो हमने स्थापना कर दी उनकी। अब हम लोग रोज अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। और बहुत थक भी गई मैं आज। और विशाल जी ने चला रखी है एक मूवी, वो मूवी देख के फिर हम सो जाएंगे। और गाइस आज का व्लॉग इतना ही था। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दो, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, लाइक करा करो, और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछा करो, क्योंकि मैं लगभग सभी के आंसर दे रही हूँ आजकल। तो आप लोग बेझिझक होके पूछ सकते हो। ओके बाय, गुड नाइट।